हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलीय कारागार स्थित अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थल पर पहुंचकर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा शहीद स्थल। भाजपा के सैनिक सम्मान समारोह में सीएम योगी ने किया 16 शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित। अमर वीर सपूतों को किया नमन। कहा, सैनिक और संत की होती है एक गति, दोनों है मातृभूमि के लिए समर्पित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जन सुनवाई। महिला उत्पीड़न के रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के दिए गए निर्देश। मंडलीय कारागार स्थित शहीद स्थल रहेगा आम जनता के लिए उपलब्ध। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जेल ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे पूरे इंतजाम, मूल स्वरूप से भी नहीं होगी कोई छेड़छाड़। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। गुणवत्ता के साथ समय से सभी योजनाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, किया गया समस्याओं का निस्तारण। भारतीय राजाओं के ऊपर किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में श्री राजपूत कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने फूंका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का प्रतीकात्मक पुतला। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ रंगारंग आगाज। मंडल की 12 टीमों ने लिया हिस्सा। उद्घाटन मैच राइजिंग स्टार बड़हलगंज ने 47 रन से जीता।